दोस्तों कोरोना वायरस ना की महामारी भावें खत्म होने की कगार पर है, पर फिर भी बटाला तो इस संबंधी एक वड्डी खबर सामने आई है। इस विच बटाला के वख-वख पिंडां तों चार औरतां कोरोना पॉजिटिव पाईआं गईआं ने। दसा जा रहा है कि इन्हां औरतां विचों दो औरतां गर्भवती हन अते दो औरतां दी कुछ दिन पहला ही डिलीवरी हुई है। इस खबर के सामने आने तो बाद पिंडा अते हस्पताल प्रशासन नूं हत्था पैरां दी पै गई है। हुण हस्पताल प्रशासन द्वारा बच्चों के सैंपल भी भेजे जाणगे अते इन्हां औरतां दे संपर्क चाउण वाले हस्पताल की मैडिकल टीम परिवारक मैंबर अते मुहल्ला निवासियों की लिस्ट बनाई जा रही है तां कि उन्हां दे सैंपल लैके जांच लई भेजे जा सकन। फिलहाल चार औरतों नूं इस मौके बटाला के सिविल हस्पताल विखे इलाज अधीन कर दिता गया है। देखो एक बीमारी का ढंग है, असी लोगों को बार बार सरकार वालों भी हदायत आ रही हैं, हर आदमी ये हदायत देने की कोशिश कर रहा है, सोशल डिस्टेंस बना के रखो, मुँह से मास्क पा के रखो। कई कुताइया लोग कर जाते हैं जाने अनजाने की खमियाजा भुगतना उसका खमियाजे अज साडे कोल चार प्रेगनेंट लेडीज़ आई हैं पॉजिटिव, जिन्हों चो दो डिलीवरियां हो चुकी हैं, दो डिलीवरियां अज होनी है। उन्हें सारे असं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कॉन्टैक्ट बन गए वो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइनस उन्हें सारे टेस्ट किया जाऊगा। और मैं फिर सबनों अपील करूँगा भी यहोजी घटना मुड़के ना वापरे, सारे अननैसेसरी अपने घर चो बाहर ना निकलन, सारे मास्क पा के रखन, अपने हाथ पैर साबण पानी ना धोन, अपने नक मूँह के उत्ते हाथ ना लाउन। डॉक्टर साहब कदों इन्हां दे सैंपल लैके भेजे गए? 19 तरीक। डॉक्टर साहब ये लेडीज इत्थे इलाज करवा रही सन, तो लगता वा कि होस्पिटल दे विचों ही इन्हां नूं ये जिहड़ी बीमारी है ये संपर्क च आ गई है? नहीं, ये तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होएगी, उस बाद ही किसी ना किसी कंकलूजन तो निकल जाएगा। होस्पिटल दे विच तो साडे कोई पॉजिटिव पेशेंट सी नहीं, ये जिहड़ा गाइनी दा सैक्शन है ये बिल्कुल अलग सी, ये और इत्थे बड़े पेशेंट आए हैं, बाकी भी किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं, मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का जो ट्रेस करना जरूरी है।